So, this is our 17th lecture on the topic that is chapter number 2nd, Mathematical Methods of 11th Science of Maharashtra Board. And in today's lecture, we are discussing the numericals on cross product or vector product. These numericals are very much important. So remember the procedure. How we can solve the determinant? The procedure is सम टिपिकल वन ये प्रोसीजर आपको ध्यान में रखनी है और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर आपने अपन ने एडोप की है वो तो अगर ध्यान में रही तो आपको आपका एग्जाम्पल रॉन्ग नहीं आएगा ठीक है सो इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट के एग्जाम में जे के एग्जाम में एग्जाम्पल इस टॉपिक पे आ सकता है ठीक है अपने ग्यारहवीं में तो रहेगा ही लेकिन तुम्हारे नेशनल लेवल के एग्जाम में भी इस टॉपिक पर या इस टाइप पर एग्जाम्पल देखे गए है वो आपको पता है ठीक है अपन टाइप डिस्कस करें टाइप इलेवंथ अब तक अपने दस टाइप इस चैप्टर में के डिस्कस किए अब अपना टाइप एलेवंथ है और ये टाइप है प्रॉब्लम्स ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ओके द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर अब देखो दो वेक्टर का अगर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो मिलने वाला वेक्टर कैसा रहता है मिलने वाला वेक्टर रहता है बराबर है

पहले वेक्टर के कंपोनेंट पर ही लिखने हैं और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट है, है, तो आएगा, आएगा अगर अपने को बी क्रॉस ए निकालना होगा तो यहां पर क्या आएगा बी एक्स बीवाई यहां पर क्या आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड ये बात ध्यान में रखो ए क्रॉस बी निकालना होगा तो ऐसा और बी क्रॉस ए निकालना होगा तो ये थर्ड जो रो है वो तो सेकंड बनेगी सेकंड रो थर्ड बनेगी खड़े वाले कॉलम रहते हैं इसको कॉलम बोलते हैं इसको रो बोलते हैं बराबर है ठीक है अब इस डिटर्मिनेंट को कैसा सॉल्व करते इसकी प्रोसीजर आपको पता है लेकिन फिर से मैं बताता हूँ ठीक है ए क्रॉस बी इज इक्वल ये आए जो पहला वेक्टर है पहले कॉलम में का पहला मेंबर फर्स्ट मेंबर बोलते इसको ये मैंने कॉमन रखा ये देखो आए अब मुझे क्या करना है इससे इसको मल्टीप्लाई करना है यानी कि ए वाई बी जेड माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करना है देखो ए वाई बी जेड माइनस वाई ए जेड ये दोनों का माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई कॉमन रखना है इसके नीचे के एलिमेंट छोड़ देना है इनके नीचे के एलिमेंट देखना है इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन ठीक है ये पहली स्टेप अब बाद में जे कॉमन नहीं निकलना माइनस जे कॉमन निकलना है आप प्लस जे भी कॉमन निकाल सकते हो लेकिन इधर की साइन बदलेगी फिर अपन ने माइनस जे कॉमन निकाला है प्रोसीजर वही उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो यानी कि ये दोनों को छोड़ दो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करो देखो ए एक्स बी जेड माइनस जे कॉमन निकाला मैंने ब्रैकेट में ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन

माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन देखो एक्स बी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए क्रॉस बी मिलता है और जो विक्टर मिलेगा अपने को, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी तो उसकी डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी अब ध्यान दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी

उसकी मैग्नीट्यूड अगर अपन ने ढूंढी तो वो मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी एरिया ऑफ पैरलोग्राम इतनी रहेगी और कौन सा पैरलोग्राम तो जिस पैरोलोग्राम की साइड वो दो वेक्टर है ऐसे पैरोग्राम का एरिया अपने को मिलेगा ठीक है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस भी एरिया ऑफ पैरोलोग्राम है तो उसका हाफ बनाया तो अपने को मिलेगा एरिया ऑफ ट्रैंगल बराबर है सो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अगर अपन ने निकाला तो अपने को मिलेगा एरिया ऑफ ट्रैंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर द टू वेक्टर्स ठीक है दो वेक्टर की वजह से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया इतना रहेगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ठीक है अब देखो अपन ए क्रॉस बी निकाला समझो ए क्रॉस बी कैसा होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बराबर है अगर मैंने ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो एखाद वेक्टर को जब अपन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो अपने को क्या मिलता एखाद वेक्टर को जब अपन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो अपने को क्या मिलता अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन उस वेक्टर की दिशा से यूनिट वेक्टर अपने को मिलता है तो देखो मैंने ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया ए क्रॉस बी इस वेक्टर को मैंने

ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो क्या करना पड़ेगा आपको ए क्रॉस बी ढूंढना पड़ेगा और उस ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा सो so आपको जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी ठीक है चारों पॉइंट बराबर ध्यान में रखो ए क्रॉस बी कैसा निकलने का है तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको ए क्रॉस बी मिलता है जो ए क्रॉस बी मिलेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये ए क्रॉस बी रहेगा ठीक है इस ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूट अपन ने अगर निकाली तो अपने को क्या मिलेगा मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस की मैग्निट्यूट का हाफ बनाया अपन ने तो उसकी आधी मैग्नीट्यूट ली तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा ठीक है ए क्रॉस बी को अगर अपन ने उसके मैग्नीट्यूट से डिवाइड किया तो ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा अपने को यूनिट वेक्टर मिलेगा कौन सी दिशा में मिलेगा ए क्रॉस बी की दिशा में मिलेगा ए क्रॉस बी कौन सी दिशा में है परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर बी इस दिशा में है यानी कि अपने को ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर मिलेगा अगर अपन ने इस तरह से कैलकुलेशन किए तो ऐसे चार या पांच बोल सकते हो तुम डिफरेंट टाइप्स है कि जिन टाइप पर अपने को आप एग्जाम्पल छुड़ाना है मैं एक ही एग्जाम्पल में सब क्लियर कवर करूंगा और बाद में फिर छुड़ाए हुए एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूंगा ठीक है ओके सो वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट संग्जाम्पल देखो आप आपने क्या दिया है इफ वेक्टर ए इज गिवन टू यू टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के एंड वेक्टर बी इज गिवन टू यू फोर आई माइनस टू जे माइनस के अब मैंने एक ही एग्जाम्पल में चारों के चारो, चारो पार्ट पर कवर कर रहा हूँ फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको ए क्रॉस बी ढूंढना है ठीक है ए क्रॉस बी ढूंढो ऐसा पूछेंगे आपको एग्जाम में या आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी बी वेक्टर 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 ए ए एंड और वेक्टर बी को परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढो यानी कि अपने को आपको क्या ढूंढना है वेक्टर ए क्रॉस बी ढूंढना है ठीक है दोनों का मतलब वन एंड द सेम है दूसरा पार्ट आपको पूछा जा सकता है ए क्रॉस बी ढूंढने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड ढूंढो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितनी होती है इट इज एरिया ऑफ पैरलोग्राम वेक्टर्स ये दो वेक्टर की वजह से जो पैरलोग्राम बनेगा उसका एरिया कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इतना होता है प्रॉपर्टी के अनुसार पता है ठीक है और इस मैग्नीट्यूड का अगर हाफ निकाला हाफ बनाया तो अपने को क्या मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा कौन से ट्राइंगल का एरिया मिलेगा जिस ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर है ठीक है अगर अपन ने ए क्रॉस बी को यानी कि क्रॉस जो वेक्टर अपने को मिलेगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो अपने को क्या मिलता है यूनिट वेक्टर क्रॉस की दिशा से ए क्रॉस बी की दिशा से यूनिट वेक्टर मिलता है और ए क्रॉस बी की दिशा कौन सी होती है परपेंडिकुलर टू तो ए एंड बी ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होती है ए क्रॉस बी की दिशा यानी कि अपने को जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उस यूनिट वेक्टर की दिशा वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर होगी और वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर होगी सो so, आपको पूछा जाएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आपको दो वेक्टर दिए हुए वे रहेंगे और आपको क्वेश्चन पूछेगा पूछा जाएगा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ तो आपको क्या करना पड़ेगा ए क्रॉस बी ढूंढना पड़ेगा उसकी मैग्नीट्यूड ढूंढनी पड़ेगी दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा और वो डिवीजन आपको देगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है यानी कि परपेंडिकुलर टू बोथ ठीक है अपन एक एक पार्ट अब छुड़ाते जाते हैं अपने को जो वेक्टर दिए है वो मैं पहले लिखता हूं पहला वेक्टर है अपने पास टू आय प्लस थ्री जे प्लस फोर के इसको मैं लिखता ए एक्स आय प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के बराबर है दूसरा वेक्टर अपने को दिया है फोर आय माइनस टू जे माइनस के इसको अपन लिखते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बी एक्स आय प्लस बीवाई जे प्लस बी जेड के बराबर है ठीक है अपने को पहला पार्ट है ए क्रॉस बी ढूंढना है सो टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ठीक है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपन ढूंढते हैं अब अपने को पता है फॉर्मूला ए क्रॉस बी का सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू अपने को डिटर्मिनेंट छुड़ाना पड़ता है सो आई जे के ए क्रॉस बी है इसलिए सेकंड रो आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड थर्ड रो आएगा बी एक्स bz बी जेड ये जो दो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये जो सीधी लाइन दिख रही है इसको सबको बोलते हैं डिटरमिनेंट 3 रो है 3 कॉलम है सो इट इज 3 बाय 3 डिटरमिनेंट ठीक है अब इस डिटरमिनेंट को अपने को सॉल्व करना है यानी कि अपने को मिलेगा a क्रॉस b तो क्या क्या करते हैं अपन प्रोसीजर क्या है i कॉमन निकालते हैं i कॉमन निकालने के बाद इसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो ठीक है इसका इसके साथ प्रोडक्ट करो यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन और माइनस इसके इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ठीक है अब अपन जो अपना डिटर्मिनेंट है वो लिखते हैं सो आई जे के ठीक है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड ए एक्स ए वाई ए जेड यानी कि टू थ्री फोर बराबर है ए एक्स है टू ए वाई है थ्री ए जेड है फोर बी एक्स बी वाई बी जेड फोर माइनस टू माइनस वन सो अपना डिटर्मिनेंट बन गया ये ठीक है इस फॉर्मेट में अपने को डिटर्मिनेंट लिखना है ये दोनों पैरल लाइन ना मैं हाथ से निकाल रहा हूं इसलिए आप स्केल का यूज करेंगे अब मैं इसको सॉल्व करता आई कॉमन निकाला देखो आई कॉमन निकाला इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन सो इन ब्रैकेट थ्री इंटू माइनस वन बराबर इसका इसके साथ माइनस माइनस इसका इसके साथ माइनस टू इंटू फोर ठीक है आई कॉमन निकालो इसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो पहली स्टेप फिर बाद में माइनस जे कॉमन निकालना है आपको माइनस जे कॉमन निकालने के बाद इसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इसके साथ यानी कि टू इंटू माइनस वन माइनस फोर इंटू फोर फोर इंटू फोर इन दोनों का मल्टीप्ली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया प्लस इधर सामने नहीं लिखता हूं इधर लिखता नीचे लिखता सो प्लस के के कॉमन निकालना अपने so, को के जब अपन कॉमन निकालेंगे तो उसके नीचे के दो एलिमेंट छोड़ दो ठीक है अब ये के कॉमन अगर निकाला अपन ने तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का बनेगा टू इंटू माइनस टू माइनस माइनस इन दोनों का फोर इंटू थ्री सो अपने पास बनेगा I थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री बराबर है थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर इंटू माइनस टू माइनस एट माइनस एट ऑफ माइनस एट ये माइनस जे अपना कॉमन है ठीक है सेकंड ब्रैकेट का माइनस जे कॉमन है टू इंटू माइनस वन माइनस टू सो फोर इंटू फोर सिक्सटीन और माइनस सो माइनस सिक्सटीन तीसरे प्रकेट में क्या कॉमन है अपना देखो का टू इंटू माइनस टू सो माइनस फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस माइनस ट्वेल्व सो यू विल गेट माइनस थ्री प्लस एट क्या फाइव सो इट बिकम्स फाइव आई ये माइनस सिक्सटीन माइनस टू माइनस एटीन माइनस माइनस ये बन गया प्लस प्लस एटीन जे ये माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सिक्सटीन प्लस यानी कि माइनस सिक्सटीन के मिल गया फाइव आई प्लस एटीन जे माइनस सिक्सटीन के देखो ए क्रॉस बी निकालने के लिए जो प्रोसीजर है जिस तरह से मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया वो बराबर ध्यान में रखो ये प्रोसीजर आपको याद रखनी है क्योंकि हर एग्जाम्पल में आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपने को मिला फाइव आई प्लस एटीन जे माइनस सिक्सटीन के इस वैक्टर इस वेक्टर के बारे में दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है ठीक है पहला पार्ट अपन ने छुड़ाया अब दूसरा पार्ट है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकलना है सो सेकंड पार्ट इज टू फाइंड ट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अब एकादे वेक्टर की मैग्नेट्यूड कैसे निकालते अपन है याद अपन ने देखा है एखादे वेक्टर की मैग्नेट्यूट निकालने के वास्ते स्क् रूट समझो वेक्टर ए की मैग्नेट्यूड है तो क्या फॉर्मूला होता है अपने पास स्वयर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूट निकालनी है तो अपन क्या फॉर्मुला यूज करते बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर बराबर है वही फॉर्मूला अपन यहां पर यूज करेंगे लेकिन अपने को अब ए क्रॉस बी का मैग्नेटिव निकालना है इसलिए इस ए क्रॉस बी को अपन एक नाम देते हैं लेट वेक्टर आर इज इकल टू विक्टर ए क्रॉस बी और ओ है फाइव आई प्लस एटीन जे माइनस सिक्सटीन के यानि कि यह है अपने पास आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के बराबर है ठीक है। अपने इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया वेक्टर आर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालना है यानी कि अपने को इस R की निकालना है? ये वेक्टर की किस स्क्र प्लस लिखते वक्त थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा इसलिए मैंने इसका नाम बदल दिया इसको मैंने वेक्टर आर बोल दिया सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मीनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और इसका फॉर्मूला अपने पास है अंडर रोट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई प्लस आर जेड ठीक है अपन वैल्यू पुटअप करेंगे आर एक्स है अपने पास फाइव सो फाइव स्क्वाई आर, आर वाई है अपने पास एटीन सो एटीन का स्क्वेयर प्लस आर जेड आर जेड है अपने पास माइनस सिक्सटीन सो so, का स्क्वायर, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ़ आर वाई की वैल्यू है एटीन सो एटीन का स्क्वायर so और आरजेड की वैल्यू माइनस सिक्सटीन सो माइनस सिक्सटीन का ये वैल्यूज मैं निकालता हूं देखो यहां पर मैंने कैलकुलेशन कंप्लीट कर दिया यहाँ पर देखो फाइव आर एक्स की वैल्यू थी फाइव आर वाई की थी एटीन आर जेड की थी सिक्सटीन सो फाइव का स्क्वायर मैंने ट्वेंटी फाइव एटीन का स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फोर और सिक्सटीन का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर इसलिए प्लस प्लस बन गया है ध्यान में रखो नहीं तो बोलेंगे कि माइनस टू फिफ्टी सिक्स क्यों नहीं लिखा अब ये तीनों का एडिशन किया तीनों का एडिशन आया सिक्स जीरो फाइव अब सिक्स जीरो फाइव का मुझे स्क्वेयर रूट निकालना है यहाँ पर अब स्क्वेयर रूट मैंने एक निकाल के दिखाया है आपको किस तरह से स्क्वेयर रूट निकालते हैं इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको छुड़ा के दिया है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अब सिक्स जीरो फाइव का स्क्वेयर रूट माने सिक्स जीरो की पावर कितनी हो गई वन बाय टू बराबर ना स्क्वेयर रूट बोले तो पावर रहती वन बाई टू अब कौन सी भी संख्या की कौन सी भी पावर अगर आपको लॉग से ढूंढनी है तो आपको क्या करना पड़ता उस संख्या का लॉग लेना पड़ता सो सिक्स जीरो का लॉग लॉग ऑफ सिक्स जीरो कहां पर है फाइव के बाद में है दिया नहीं यहाँ पर लेकिन के बाद में इसका डेसिमल पॉइंट है डेसिमल पॉइंट के पहले वन टू थ्री डिजिट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक बन गई दो कैरेक्टरिस्टिक दो आप मेंटेसा ढूंढेंगे अपन तो मेनटेसा ढूंढने के लिए आपको लॉक टेबल में ढूंढना पड़ेगा सिक्सटी का फाइव साठ का पांच ढूंढो लॉक टेबल में वो आता है सेवन एट वन एट ठीक है लॉक टेबल में सिक्सटी का फाइव मैंने ढूंढा वो मुझे मिला सेवन एट वन एट सो मेरा लॉक बन गया सिक्स जीरो का टू पॉइंट सेवन एट वन एट जो संख्या का पावर अपने को ढूंढना है जिस संख्या की पावर अपने को ढूंढनी है उस संख्या का लॉग निकालो और उस लॉग को पावर से मल्टीप्लाई करो अब इस लॉग को मुझे पावर से मल्टीप्लाई करना है यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है आपसे मल्टीप्लाई करना है यानी कि दो से डिवाइड करना है सीधा सीधा सो टू पॉइंट सेवन एट वन एट को मैंने दो से डिवाइड किया डिवीजन मिला मुझे ठीक है देखो प्रोसीजर क्या है तो एक संख्या का पावर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता उस संख्या का लॉग लेना पड़ता उस लॉग को उस पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ आपको मिलेगा उसका एंटीलॉक ढूंढना पड़ता

दो डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट दे दो सो ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स जीरो सो सिक्स जीरो फाइव का स्क्वेयर रूट मुझे मिला ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स जीरो ये मिल गई अपने को ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बोले तो ये मिल गया अपने को एरिया ऑफ पैरलोग्राम ठीक है ए और बी दो वेक्टर से जो पैरलोग्राम बनेगा उसका एरिया इतना रहेगा ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी यूनिट ये मीटर में रहेगा सेंटीमीटर मीटर, तो सेंटी मीटर स्क्वेयर में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा जो यूनिट वो वेक्टर का होगा उसके अनुसार ये यूनिट बनेगा ठीक है अपन ने ए क्रॉस बी ढूंढा उसके बाद में अपने को हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ढूंढना है सो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी का हाफ ठीक है सो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बनता है ट्वेल्व थर्टी यूनिट और ये क्या है ये मिला अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल एडजेसेंट साइड्स आर द एडजेसेंट साइड्स आर द टू वेक्टर्स ठीक है अपने को ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ढूंढते आई ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड मानी एरिया ऑफ वेक्टर जो एंड वेक्टर बी उस मैग्नीट्यूड का अगर अपन ने हाफ निकाला तो अपने को एरिया ऑफ ट्रेंगल मिलता जिस ट्रेंगल के एडजेसेंट साइड दो है. है अब अपन धुनेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है उसके लिए क्या करना पड़ता टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि अपने को ढूंढना पड़ेगा ए क्रॉस बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड बराबर है सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी सो ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी अपने पास है फाइव आई प्लस एटीन जे माइनस सिक्सटीन के अपॉन अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है अपने पास ट्वेंटी फोर पॉइंटी इस फॉर्म में लिखो या उसको फाइव आई प्लस एटीन जे माइनस सिक्सटीन के और ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी मीन रूट ऑफ सिक्स जीरो फाइव ऐसा भी लिख सकते हो अपन सो यूनिट वेक्टर क्टर बिकम्स फाइव अपॉन रूट सिक्स जीरो फाइव आए प्लस एटीन अपॉन रूट सिक्स जीरो फाइव जे माइनस सिक्सटीन अपॉन रूट सिक्स जीरो फाइव टाइम्स के ठीक है ये मिल गया आपने को यूनिट फैक्टर अब अब देखो दिस इज यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस बी की दिशा से मिलने वाला यूनिट वेक्टर है क्रॉस की दिशा कौन सी है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी परपेंडिकुलर दिशा क्रॉस की होती है और इस यूनिट वेक्टर की दिशा भी ए क्रॉस बी की दिशा में है इसलिए दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये यूनिट वेक्टर रहेगा ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर ठीक है ये मिल गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू तो बोथ अगर मुझे ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है कि जिसकी मैग्नीट्यूड समझो दस है क्या करेंगे बोलो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे निकालना है और उसकी मैग्नीट्यूड मुझे दस चाहिए ये क्या है ए क्रॉस बी को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है इसको मैंने दस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको मैंने दस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा दस मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर एंड दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ठीक है यानी कि दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर भी तुम निकाल सकते हो और दोनों वेक्टर वेक्टर को परपेंडिकुलर की जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी भी हो हो सकती है वो भी तुम निकाल सकते हो। दस मैग्नीट्यूड वाला पचास मैग्नीट्यूड वाला सौ मैग्नीट्यूड वाला खाली क्या करना है इस यूनिट वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई करना है इस तरह से आप निकाल सकते हो ठीक है एक ही एग्जाम्पल में मैंने चारों पांचों प्रकार कंप्लीट कर दिए ठीक है आप ध्यान में रखो अगर आपको दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढना है तो ए क्रॉस बी निकालो अगर आपको एरिया ऑफ पैरलोग्राम निकालना है तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना है तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो ठीक है आपको यूनिट वेक्टर ढूंढना है परपेंडिकुलर टू तो बोथ तो क्या करना ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो जो मिलेगा वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू तो बोथ ए एंड बी रहेगा ठीक है इस तरह से स्टेप्स ध्यान में रखो अब अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं फ्रॉम बुक नाउ इन दिस एग्जाम्पल द प्रोसीजर इज डिफरेंट क्यों डिफरेंट है तो यहां पर जो अपने को दो वेक्टर दिए हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलना है अपने को लेकिन दोनों वेक्टर है टू डायमेंशनल डिटर्मिनेंट थ्री बाय थ्री में आ सकता है तो उसके लिए थ्री बाय थ्री के यानी कि पहला वेक्टर भी थ्री डायमेंशन में लगेगा दूसरा भी थ्री डायमेंशन में लगेगा तो अपन डिटर्मिनेंट के सहायता से उसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अगर वैक्टर टू बाई टू टू डायमेंशनल में होगा या यहां पर आई और जी यानी कि टू डायमेंशनल वेक्टर है ये भी टू डायमेंशनल वेक्टर है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढते हैं वो अपनी सिंपल प्रोसीजर अपन यूज करेंगे ठीक हो क्या एग्जाम्पल दिया है डिटरमाइन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर बी इज थ्री आई प्लस फाइव जे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपने अपन मल्टीप्लीकेशन करे प्लस थ्री जे क्रॉस बी है इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है सो so, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशनि टू इंटू थ्री और ये जो यूनिट वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट सो आई क्रॉस आई देखो यहाँ पर two into three मैग्नीट्यूड का मल्टिप्लिकेशन into वेक्टर का मल्टिप्लिकेशन यहाँ पर क्रॉस है ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये दोनों का प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई यानी कि two into five देखो two into five i क्रॉस जे i क्रॉस जे प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई सो three into three three into three j क्रॉस i j क्रॉस i जे क्रॉस आर प्लस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन सो थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव जे क्रॉस जे जे क्रॉस जे अब क्रॉस प्रोडक्ट के जो अपन ने प्रॉपर्टीज देखे थे उसमें अपन ने देखे कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है सो आई क्रॉस आई ये बन गया जीरो जे क्रॉस जे ए बन गया जीरो बराबर ए भी जीरो हो गया ए भी जीरो हो गया बचा क्या

टू इंटू फाइव मीन्स टेन आई क्रॉस जे की वैल्यू गई के थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन जे क्रॉस i, जे क्रॉस आई यानी कि उल्टा जे क्रॉस i बोले तो माइनस के मिलेगा सो जे क्रॉस आई की जगह पर मैंने माइनस के लिखा और यहां पर थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन जे क्रॉस जे जीरो सो ये बन गया जीरो टेन के ये माइनस नाइन के ये जीरो ठीक है सो टेन के माइनस नाइन के यानी बी मुझे मिल गया वेक्टर वेक्टर K, K बोले तो इट इज यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन यानी कि इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने निकाला तो अपने को यूनिट वेक्टर मिल रहा है कौन सी डायरेक्शन में जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अगर मिलने वाला वेक्टर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये दो वेक्टर कौन से प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है सीधा सीधा क्योंकि इनको परपेंडिकुलर रिजल्ट मिलेगा आई क्रॉस भी इनको परपेंडिकुलर रहेगा ठीक बाकी उस पर से आप समझ सकते हो अब देखो जो अपने डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने वाला एग्जाम्पल है अब यहां पर से स्टार्ट होते हैं क्या पूछा है ए बी टेक्स्ट बुक में का एग्जाम्पल है तीसरे में का दूसरा एक्सरसाइज में का डिटरमाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पहला वेक्टर दिया है आपको टू आई प्लस थ्री जे माइनस के और दूसरा वेक्टर दिया है आई प्लस टू जे माइनस थ्री के ठीक है दोनों वेक्टर लिख लिया अपन ने अपने को वी क्रॉस वी निकालना है सो वी क्रॉस वी टू आई जे

आई कॉमन निकाला आई कॉमन निकाला इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर है सो थ्री इंटू माइनस थ्री थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन टू इंटू माइनस वन ठीक है बाद में फिर प्लस जे कॉमन नहीं निकालना माइनस जे कॉमन निकालना है सो माइनस जे इस कॉमन माइनस जे कॉमन निकालने के बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन सो टू इंटू माइनस थ्री टू इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू माइनस वन वन इंटू माइनस वन ठीक है कैलकुलेशन so करते थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नहीं माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस माइनस ऑफ टू टू प्लस बन गया सो माइनस जे इन दोनों का मल्टीप्लीस माइनस सिक्स प्लस वन बराबर माइनस सिक्स प्लस वन इन दोनों का मल्टीप्लीस फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री के टाइम्स सो माइनस नाइन प्लस टू यानी कि माइनस सेवन आए ये माइनस सिक्स प्लस वन यानी कि माइनस फाइव माइनस फाइव इंटू माइनस सो प्लस फाइव जे फोर माइनस थ्री वन सो वन टाइम्स के सो वी वन क्रॉस वी टू मिल गया को माइनस सेवन आई प्लस फाइव जे प्लस के ठीक है यही ढूंढना था आपने को यह हो गया टेस्ट बुक में का तीसरे में का तीसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड अ विक्टर परपेंडिकुलर टू विक्टर ए विक्टर ए दिया है आपको थ्री आई प्लस फोर जे प्लस के एंड विक्टर बी दिया है आपको आई माइनस जे प्लस फोर के

क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है आई जे के एक्स जे के रखो थोड़ा सा नजर इधर उधर हो गई कि कैलकुलेशन अपने रॉन्ग हो सकते हैं आई कॉमन निकाला आई कॉमन निकाला तो उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो इन दोनों का प्रोडक्ट करो माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करो फोर इंटू फोर फोर इंटू फोर माइनस माइनस वन इंटू वन माइनस जे कॉमन निकालो उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो इसका इसका और दोन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशनस जे कॉमन निकाला इसका और इसका मल्टीप्लीशन थ्री इंटू फोर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन इंटू वन प्लस के कॉमन निकालो उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू माइनस वन थ्री इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू फोर वन इंटू फोर इसको सॉल्व सॉल्व करेंगे अपन फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस वन इंटू वन सो माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस सो प्लस वन ये माइनस जी जैसा है वैसा थ्री फोर जोल्व माइनस वन इंट वन बोले तो माइनस वन प्लस के के टाइम्स थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री सो माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर बराबर है अब सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन आइनस वन वाले तो एलेवन ये माइनस साइन लगेगी उसके 11, ये माइनस साइन लगेगी माइनस इलेवन j होगा क्या एलेवन माइनस जे है यहाँ पर माइनस एलेवन जे और ये माइनस सेवन के सो ये बनेगा अपना वेक्टर करेक्शन करोट्स करेक्शन कर साल हाँ नोट्स यह प्लस माइनस कर साल एज वी नो वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथर एंडिकुलर वेक्टर टू एंड बी इज ये बन गया A cross B क्या रहता है ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहता है अपन ए क्रॉस बी ढूंढा सो धीस इज परपेन्डिकुलर टू बोथर एंडर बी कौन सा वेक्टर सेवनटी नाइनस एलेवन जे माइनस सेवन के ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ सॉरी एंड मैग्निट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज गिवन टू आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के एंड बी इज गिवन फोर आई प्लस एट जे प्लस ट्वेल्व के अब दो वेक्टर देखो टू आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के यहाँ पर टू आ टू आए तो यहां पर फोर आय है यहाँ पर फोर जे है तो यहां पर एट जे है पर 6 के है, तो पर 12 के के तो यानी कि इसका दिख रहा है मेरे को ये ये और दोनों वेक्टर कैसे फिर पैरल है क्या? सर BY, by सर का है? रेशो सर का है दोनों वेक्टर है दोनों अब मुझे बताओ दो पैरल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने बनाया दो पैरल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपन ने बनाया तो क्या मिलता अपने को नल वेक्टर मिलता यानी कि मिलने वाला नल वेक्टर रहेगा और नल वेक्टर की मैग्निट्यूड वही मिलता है कि देखेंगे अपन ठीक अपने को ए क्रॉस बी ढूंढना है सो टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फॉर्मुला अपने पास है डिटरमिनेंट आई जे के

बाद में माइनस जे कॉमन निकालने का माइनस जे कॉमन निकालने के बाद उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ देने के और इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इसके साथ देखो बराबर किया क्या मैंने निकल, प्लस के कॉमन निकालने का के कॉमन निकाल जब निकालेंगे अपन उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन देखो बराबर लिखा क्या मैंने टू इंटू एट माइनस फोर इंटू फोर बराबर है सो इट ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट एट सिक्स फोर्टी एट बनेगा जीरो सो ए क्रॉस बी बन गया जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के यानी कि नल वेक्टर बराबर है जिसकी मैग्नीट्यूट जीरो होती है यानी कि जिसका एक्स कंपोनेंट जीरो है वाई कम्पोनेंट जीरो कंपोनेंट जीरो है Z component नल वेक्टर होता है सो so, अपने को नल वेक्टर मिल गया सो so, देखो therefore, वेक्टर वेक्टर के ऊपर मैंने ये बार दिया, यानी कि नल मिला, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी जीरो डायरेक्ट लिख दिया मैंने अगर, अगर अपने को निकालनी होगी तो सो so, अंडर रूट ऑफ इसको मैंने वेक्टर आर बोल दिया तो आर एक्सर प्लस आर वाई स्क्सर जीरो का स्क्र प्लस जीरो मिलेगा अपने उस तरह से भी आप निकाल सकते हो लेकिन डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड जीरो रहेगी क्योंकि ये नल वेक्टर है ठीक है देखो ये दोनों पैरेलल वेक्टर थे तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर मिला आपने को नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज गिवन टू यू एंड वेक्टर बी इज गिवन टू यू ये दो वेक्टर आपने को दिए हैं अपने को ए क्रॉस बी भी ढूंढना है और उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालना है देखो वेक्टर ए लिखा वेक्टर बी लिखा पहले अपन ए क्रॉस बी ढूंढते हैं लिख दिया क्रॉस का अब उसको फॉर्मुलाफाई करते हैं सिंप्लीफाई करते वक्त ध्यान रखो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हट गया कि कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाते हैं इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आपके नोट्स में आपको करना है ठीक है आई जे के ए एक्स है आपके पास टू ए वाई है फोर ए जेड है वन बी एक्स है वन वाई है माइनस वन बी जेड है माइनस थ्री आए कॉमन निकाला इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन सो फोर इंटू माइनस थ्री फोर इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस वन इंट वन माइनस वन इंटू वन ठीक है बाद में माइनस जे कॉमन निकालना है माइनस जे कॉमन निकाला अपन ने टू इंटू माइनस थ्री सो टू इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू वन माइनस वन इंटू वन प्लस के कॉमन निकाला अपन ने उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ दो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस वन सो टू इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू फोर वन इंटू फोर है बराबर यहाँ पर करेक्शन है हाँ आपके नोट्स में यहाँ पर करेक्शन है आपको करना है सो आए इन ब्रैकेट फोर इंटू माइनस थ्री यानी कि माइनस ट्वेल्व माइनस कॉमन है सो माइन थ्री इंटू टू सो माइनसू माइनस सिक्स माइनस वन इंटू वन यानी कि माइनस वन सो माइनस वन माइनस सॉरी माइनस सिक्स माइनस वन ये बन गया माइनस सेवन माइनस सेवन इंटू माइनस सो ये बन गया प्लस सेवन यहाँ पर करेक्शन है आपको देखना है प्लस के टाइम्स ये टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर सो माइनस फोर माइनस टू यानी कि माइनस सिक्स बनेगा ये सो माइनस सिक्स के सो ये बन गया माइनस एलेवन आए प्लस सेवन जे माइनस सिक्स के ये करेक्शन देख लो बराबर अब इसकी मैग्नेट ढूंढनी है अपने को सो मैग्नेटिव ढूंढने के लिए इस वेक्टर ए क्रॉस बी को मैं वैक्टर सी बोलता हूं सो so, वेक्टर सी इज वैक्टर ए क्रॉस बी यह है माइनस एलेवन आय

बराबर दो जीरो टू जीरो सिक्स सो so, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड अपने को मिल गई रूट ऑफ टू जीरो सिक्स और मैग्नीट्यूड बोले तो इसकी यूनिट रहेगा कुछ तभी तो यूनिट ठीक है ये बन गया एग्जाम्पल नंबर फाइव अपने को ए क्रॉस बी ढूंढना था और उसकी मैग्नीट्यूड ढूंढनी थी ए क्रॉस बी बोले तो दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी और इसकी मैग्नीट्यूड बोले तो यह है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड एरिया ऑफ पैरोलोग्राम अल्सो एरिया ऑफ ट्रैंगल रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स इन दो वेक्टर की सहायता से जिस पैरलोग्राम का साइड्स रिप्रेजेंट की है या जिस ट्रैंगल की साइड्स रिप्रेजेंट किए उनका एरिया ढूंढो ठीक है वेक्टर ए लिखा मैंने वेक्टर बी लिखा अपन अपन अपने को एरिया ऑफ पैरलोग्राम कैसा मिलेगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकाली अपन ने अपन ने तो अपने को एरिया ऑफ पैरलोग्राम मिलेगा और उस मैग्नीट्यूड का हब बनाया तो एरिया ऑफ ट्रैंगल मिलता है ठीक है पहले सो so, पह, उसके लिए पहले अपने को ए क्रॉस बी ढूंढना पड़ेगा सो ए क्रॉस बी अपन पहले ढूंढते हैं सो ए क्रॉस बी इज आई जे के एक्स ए वाई जेड सो आई जे के फोर इन फोर टू थ्री बराबर है फोर टू थ्री वन टू फोर टू थ्री वन टू टू है, है बराबर कॉमन निकाला आई कॉमन निकाला तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे सो टू इंटू टू माइनस टू इंटू थ्री टू इंटू टू माइनस टू इंटू थ्री बाद में माइनस जे कॉमन निकालो इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन सो फोर इंटू टू माइनस वन इंटू थ्री के कॉमन निकालो प्लस के और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस so, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन सो फोर इंटू टू माइनस वन इंटू टू बनेगा फोर माइनस सिक्स माइनस जे एट माइनस थ्री बराबर है के एट माइनस टू सो फोर माइनस सिक्स एट माइनस थ्री एट माइनस टू सो विक्टर बन गया माइनस टू आए माइनस फाइव जे प्लस सिक्स के ये बन गया ए क्रॉस बी अपने को एरिया ऑफ पैरलोग्राम ढूंढना है एरिया ऑफ माने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ढूंढनी है अब इस ए क्रॉस बी को मैं नाम देता लेट वेक्टर सी सो so, वेक्टर सी इज वेक्टर ए क्रॉस बी ये है अपने पास माइनस टू आए माइनस फाइव जे प्लस सिक्स के यानी कि ये बन गया सी एक्स आए प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के उसकी मैग्नीट्यूड धोनी so, so है अपने क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड माने सी की मैग्नीट्यूड सो अंडर रूट ऑफ सी एक्स स्क्सर प्लस सी जेड स्क्वेयर सी एक्स है माइनस टू सी वाई है माइनस फाइव सी जेड है सिक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर सो ये बन गया स्क्वायर रूट में फोर प्लस ट्वेंटी सी की मैग्नीट्यूड यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सो वी नो बट वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वो मिल गई अपने को रूट सिक्सटी फाइव यूनिट और एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी सो हाफ ऑफ रूट सिक्सटी फाइव यूनिट इस तरह से आप एरिया ऑफ पैरोग्राम भी ढूंढ सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ढूंढ सकते हो एंड द लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या पूछा है देखो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी या दोन वेक्टर ला परपेंडिकुलर दिशे यूनिट वेक्टर तुम्हारा शोधा है सो राइट डाउन वेक्टर ए राइट डाउन वेक्टर बी फाइंड ए क्रॉस बी अब ए क्रॉस बी कैसा ढूंढते हैं ये आपको पता है असं शोधायचं प्रत्येकाला आहे आता मराठीत सांगतो यावेळेस आय कॉमन काढायचा काढला आय कॉमन त्याच्या खालचे दोन्ही एलिमेंट सोडून द्यायचे सोडून दिले यानी याला मल्टिप्लाय करायचं मायनस यानी याला मल्टिप्लाय करायचं वन इंटू सिक्स मायनस फोर इंटू वन आहे बरोबर नंतर मायनस जे कॉमन काढायचा जेव्हा हा मायनस जे कॉमन घेसाल तेव्हा खालचे दोन्ही एलिमेंट सोडून द्यायचे यानी याला मल्टिप्लाय करायचं मायनस यांनी याला मल्टिप्लाय करायचं सो वन इंटू सिक्स मायनस थ्री इंटू वन आहे बरोबर प्लस के कॉमन काढायचा के कॉमन काढल्याचे खालचे एलिमेंट सोडून द्यायचे यानी याला मल्टिप्लाय करायचं मायनस यानियाला मल्टिप्लाय करायचं आहे बरोबर पहा करा त्याला सॉल्व आता हे मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन सप्टेक्शन तुम्हाला येतं इझी इझी आहे सगळं सो वन इंटू सिक्स म्हणजे सिक्स फोर इंटू वन म्हणजे फोर सो सिक्स मायनस फोर हा मायनसचे जसा तसा वन इंटू सिक्स म्हणजे सिक्स मायनस थ्री इंटू वन म्हणजे थ्री सो सिक्स मायनस थ्री प्लस के टाइम्स फोर मायनस थ्री फोर मायनस थ्री बरोबर आहे सो इट बिकम्स ए क्रॉस बी भेटला आपल्याला टू आय मायनस थ्री जे प्लस फोर के आता हा जो ए क्रॉस बी आपल्याला मिळतो हा कोणत्या दिशेने असतो ए आणि बी दोघांना परपेंडिक्युलर असतो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ वेक्टर परपेंडिक्युलर टू बोथ व्हेक्टर ए अँड बी सो अ युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी याच्या दिशेने जर आपण युनिट वेक्टर काढला तर तो काय असेल तो युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू ए आणि परपेंडिक्युलर टू बी असेल सो अ युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज टू बोथ वेक्टर ए अँड वेक्टर बी देअर फॉर युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ए क्रॉस बीच्या दिशेने युनिट वेक्टर कसा काढसाल तर ए क्रॉस बी ला आपल्याला त्याच्या मॅग्नेट्यूड करावं लागेल सो ए क्रॉस बी ला जर आपण त्याच्या डिवाईड केलं तर आपल्याला मिळणारा जो युनिट वेक्टर असेल तो परपेन्डिक्युलर टू ए आणि परपेन्डिक्युलर टू बी दोघांना परपेन्डिक्युलर असेल मग ए क्रॉस बी आपल्याला माहिती आहे मग आपण ए क्रॉस बी ची मॅग्नेट्यूड काढून घेऊ मग कशी काढतो आपण मॅग्नेट्यूड तर त्या ए क्रॉस बीला मी नाव दिलं वेक्टर सी सो लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हेक्टर ए क्रॉस बी मग त्याला या हा झाला सी एक्स हा झाला सी वाय हा झाला सी झेड सो मॅग्नेट्यूड ऑफ सी म्हणजेच मॅग्नेट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस व्हेक्टर बी आणि फॉर्म्युला आहे आपल्याजवळ स्क्वेअर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वेअर प्लस सी वाय स्क्वेअर प्लस सी जेड स्क्वेअर म्हणजे टू स्क्वेअर प्लस मायनस थ्री स्क्वेअर प्लस वन स्क्वेअर टू स्क्वेअर प्लस मायनस थ्री स्क्वेअर प्लस वन स्क्वेअर ए क्रॉस बी म्हणजे सी सो मॅग्नेट्यूट ऑफ ए क्रॉस बी बिकम्स अंडरूटमध्ये फोर प्लस नाईन प्लस वन म्हणजेच रूट फोर्टीन युनिट ए क्रॉस बी आपल्याला माहिती आहे ए क्रॉस बीची मॅग्नेट्यूड आपल्याला माहिती आहे आपल्याला युनिट वेक्टर शोधायचा आहे ए क्रॉस बी च्या दिशेने म्हणजे परपेंडिक्युलर टू बोथ सो टू फाईंड युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू बोथ वेक्टर ए अँड वेक्टर बी दॅट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए अँड वेक्टर बी सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सो एुनिट व्हेक्टर इज ए क्रॉस बी अपॉन इट्स मॅग्निट्यूड ए क्रॉस बी त्याच्या मॅग्निट्यूडने डिवाईड केलं हा मिळाला आपल्याला युनिट वेक्टर सो धिस इज युनिट वेक्टर परपेंडिक्युलर टू बोथ वेक्टर ए अँड व्हेक्टर बी आलं लक्षात या प्रकारे तुम्हाला युनिट फेक्टर ए आणि बी दोघांना परपेंडिक्युलर दिशेने शोधता येतो ठीक आहे चारही पॉईंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा दोन व्हेक्टरला परपेंडिक्युलर व्हेक्टर शोधायचा असेल तर ए क्रॉस बी काढायचा त्या दोन्ही व्हेक्टरनी तयार केलेल्या पॅरलोग्रामचा एरिया काढायचा असेल तर ए क्रॉस बीची ची मॅग्निट्यूड काढायची दोन्ही व्हेक्टरनी तयार केलेल्या ट्रँगलचा एरिया काढायचा असेल तर ए क्रॉस बीची मॅग्निट्यूड काढायची आणि त्याचा हाफ करायचं दोन्ही वेक्टरला परपेंडिक्युलर युनिट वेक्टर काढायचा असेल तर ए क्रॉस बीला त्याच्या मॅग्नेट्यूडनी डिवाईड करायचं प्रोसिजर लक्षात ठेवा ओके okay, थँक्यू फॉर वॉचिंग